परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर की बैठक जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी ने हिस्सा लिया और सरकार के द्वारा लंबित घोषणाओं को जल्द पूरा करने की मांग की गई। बैठक में सरकार को चेताया गया है कि अगर जल्द पेंशन का स्थायी हल नहीं होता है तो सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना संघर्ष को तेज करते हुए आगामी चुनावों में सरकार को सबक सिखाएंगे। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 जुलाई को शिमला में होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन के लिए भी रणनीति बनाई गई। जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2020 में पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के दौरान 4% अंतिम राहत देने की घोषणा की गई थी, वह अभी तक पूरी नहीं की गई है। वर्तमान में परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के साथ भी बैठक में इस मांग को रखा गया था, लेकिन आज दिन तक इसकी अदायगी नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की समस्या भी बरकरार बनी हुई है और समय पर पेंशन न मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आज जो है 5 महीने के बाद ये बैठक हो रही है, क्योंकि कोरोना फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सरकार के आदेशों की पालना करते हुए जो है ये बैठक नहीं हो सकती है। आज इस बैठक में कल्याण मंच ने गहरा रोष प्रकट किया है सरकार व प्रबंधन के खिलाफ, क्योंकि पिछले साल पूर्व मंत्री परिवहन मंत्री जो हमारे श्री गोविंद ठाकुर जी रहे हैं, उनके साथ प्रदेश स्तर की हमारी बैठक शिमला में सचिवालय में हुई थी। उसमें उन्होंने हमारे को 4% दिए और 4% जो है अंतिम राहत दी थी, जो कि 4% महंगाई भत्ता तो हमारे को मिल गया था, परंतु 4% जो अंतिम राहत थी वो नहीं मिली। चलो उसमें कोरोना काल फैला हुआ था, चलो नहीं दी गई, मगर आज तक वर्तमान सरकार जो उसे देने में असमर्थ रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हाल ही में हुई है, उसमें मंत्री ने कोई भी घोषणा नहीं की और ना ही पेंशनरों और कार्यरत कर्मचारियों के बारे में कोई चर्चा की गई, जबकि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य श्री बलरामपुरी जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बात को रखा तो उन्होंने उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और ना ही वार्ता की। तो 4 साल हमारे इस सरकार के भी बीत गए हैं, ना ही पिछली सरकार हमारी पेंशन का कोई स्थायी समाधान कर सकी है, ना ही इस सरकार वर्तमान सरकार कर रही है। ये इस बात से कहना चाहता हूँ कि सरकार 1 साल सरकार का रह गया है, अगर 1 साल के अंदर अंदर हमारी पेंशन का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो जैसे पिछली सरकार को चुनाव में नतीजा भुगतना पड़ा है, वैसा ही नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। कल्याण मंच के कोषाध्यक्ष कश्मीर सिंह सोनी ने कहा कि वर्ष 2020 और 21 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ना ही भत्ते और ना ही पेंशन मिली है। इसके साथ ही पेंशन के लिए हर बार देरी होती है, जिससे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पेंशन की समस्या का हल करने के लिए कई बार सरकार से गुहार लगाई जा चुकी है और विभाग के उच्च अधिकारियों से भी मांग की है, मगर समस्या का हल नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को शिमला में परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमीरपुर से भी काफी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी हिस्सा लेंगे। एक तो हमें पहले तो मैं शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूँ कि हमें जो मेडिकल रिक्वायरमेंट थी वो सरकार ने जून महीने की 30 तारीख तक क्लियर कर दी है, दिसंबर 2021 तक, इसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसके साथ मुझे अफसोस भी है कि सरकार ने कहा था कि अप्रैल महीने की जो पेंशन आपकी आएगी मई महीने में, तो वो 4% IR लग कर आपको मिलेगी, लेकिन वो मई महीने की पेंशन हमें जुलाई महीने की 6 तारीख को मिली, जबकि जून महीने की पेंशन हमारी अभी तक पेंडिंग है, तो क्यों है? जबकि सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ने 260 करोड़ इस HRC के परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया है इसी के लिए, लेकिन हमारे MD साहब या दफ्तर के जो है MD दफ्तर के, उन्होंने आज नहीं कर वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना पेंशन डाली, ना ही हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी ऑर्डर किए थे विक्रम राणा जी ने कि इनकी 4% IR जो है वो इस महीने अप्रैल महीने की इनकी पेंशन साल लगाई जाए, तो उनके कहने के भी हमारे दफ्तर वालों ने अवहेलना की, इसलिए इस चीज़ का मुझे दुख है। और जल्दी से जल्दी हमारी पेंशन का हल भी किया जाए और जो जून महीने की पेंशन बची है वो जुलाई महीने में जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर दी जाए, वरना इसके लिए हम अगली कार्रवाई रणनीति बनाएंगे, जैसे कि 15 जुलाई को शिमला में धरना प्रदर्शन है, वो भी सरकार को पता है
और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सभी को बताया।